इसमें उन्होंने कहा है, आप लोगों को किसने बोला कि सब ठीक लिखा है? आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। इसमें कहा लिखा है सब ठीक होगी, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा है, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का पक्ष हमको नहीं पता? अध्यक्ष महोदय जी को सबको आपके बारे में पता है और हम लोगों ने आपके एग्जाम करवाए हैं, हमने आपको इंटरव्यू तक पहुंचाया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपकी बातें हमको नहीं पता है? हमें सब पता है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है। आप अगर यहाँ हम कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं तो आप क्यों चाह रहे हो कि भर्ती अटके, दूसरा पक्ष चला जाएगा? आप समझो, थोड़ा रुको, थोड़ा आप रिवाइज रिजल्ट तक। मैंने ये कहा सर, बाहर सबने, मीडिया वाले ने प्लस कोचिंग वाले ने मुझे ये बोला है कि अरे वो तुमको आयोग वाले बेवकूफ बना रहे हैं, घुमा रहे हैं, सब की लेंगे, अभी नोटिफिकेशन डाल देंगे, तुम पढ़ने बैठ जाओ, इसके पागल बना रहे हैं। मैंने बोल दिया, बोले अच्छा ऐसा बोल रहे? मैंने कहा सर हाँ, वो मेरे पे विश्वास नहीं करते, मेरे बच्चे मेरे पे विश्वास नहीं करते। तो फिर उन बोले, बच्चों को बोलो फिर तुमको क्यों आगे करते हैं, वो तुम पे विश्वास नहीं करते, करना चाहिए। तो मैंने कहा सर, मैं तो सबको बोल देती हूँ कि सख्ती नहीं होगी, पर मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता, पर फिर बच्चे क्यों तुमको आगे करते हैं ऐसा? तो किसी एक पे विश्वास करो, सबकी नहीं लिखा है। हमारा इंटरव्यू वाला जो पक्ष है वो सबको पता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बारे में नहीं सोचा जाएगा, डायरेक्ट हमारा गला फाड़ दिया जाएगा? सर का एक ही कहना है कि उसमें कहीं नहीं लिखा कि सबकी होगी, कि आप लोग मत रखो।